ANU News, सच को जो लाए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANU News। इस वक्त हम मौजूद हैं पुणे के दौंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ, जो कि मुंबई से धीरे धीरे पुणे तक भी पहुंच गया है, और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रफीक अली जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महाराष्ट्र से पुणे तक भी अपने संस्था को आप बढ़ा रहे हैं। और आज दौंड में ज्वाइनिंग हुआ है, हमारे साथ में है रमेश सोमनाथ गायकवाड़ जी। रफीक अली जी, आपने इनको उपाध्यक्ष पुणे का बनाया है। रमेश जी, आप आइए आगे और आप इनको नियुक्ति पत्र दीजिए। ये सोमनाथ गायकवाड़, रमेश सोमनाथ गायकवाड़ जी, इनको पुणे का उपाध्यक्ष बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ में। और हमारे साथ में है अरुणा ढोंडीवा गायकवाड़ जी, इनको जिला अध्यक्ष पुणे का बनाया गया है, महिला जिला अध्यक्ष। देखिए, अभी रफीक अली जी इनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और हम रफीक अली जी से चाहेंगे कि आप मुंबई से यहाँ तक अपने संस्था को बढ़ाए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ को, और बहुत सारे यहाँ पे सदस्य लोग भी मौजूद हैं, गणमान्य लोग आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सबसे पहले इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे संस्था में आए, और इनको हमसे इनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पे बड़े से बड़े, मतलब जो भी समस्या है, समस्या को समाधान करें, और इनको यहाँ के जो भी नागरिक है या छोटे बड़े जो भी है, वो सभी मतलब कार्यों को पूरा करने के लिए वो कोशिश करें। आपको महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया है पुणे का, तो हम आशा करते हैं कि आप तन मन धन से हर तरह से लोगों की मदद करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? करणार ना, म्हणजे पुणे जिल्ह्याचा अध्यक्ष आंतरराष्ट्रीय नागरिक मानवाधिकार संघटनेचा न्यायिकचा अध्यक्ष पुणे जिल्हा निवड केल्याबद्दल तुमचे या ठिकाणी सर्वांचे मी आभार मानते। आणि या ठिकाणी मी, मला सामाजिक कार्याची आवड आहे, माझे बचत गट आहेत, आणि सामाजिक कार्याची आवड असल्यामुळे प्रत्येक महिलेपर्यंत जाण्याचा माझा संपर्क येतो, त्यामुळे अतिशय चांगल्या पद्धतीने मी काम करणार। सर, आप आइए, आप भी उपाध्यक्ष चुने गए हैं पुणे के, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से लोगों का मदद करें? सर्वप्रथम मी आप किस तरह से लोगों का मदद करें? सर्वप्रथम मी आंतरराष्ट्रीय नायक महासंघाचा मेंबर झाल्याबद्दल, केल्याबद्दल तुम्ही, त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो। तसं जे स्थानिक प्रश्न आहेत, गाव लेवलचे असतील किंवा सिटी लेवलचे असतील, गोरगरीब लोकांचे जे काही प्रॉब्लेम असतील, जे सॉल्व्ह होत नसतील, ते प्रयत्न करेन सॉल्व्ह करण्याचा। आम्ही यही आशा करते हैं कि आप अपने गाँव के लोगों का, समाज का, सबका मदद करेंगे। हमारे साथ में मीडिया प्रभारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ के आनंद राय मोगा जी, आप रफीक अली जी के साथ में आए प्रदेश अध्यक्ष, और आपके और रफीक अली जी का योगदान था कि आप मुंबई से आप पुणे तक संस्था को बढ़ा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में अपने राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ का, पूरे संघ का, मैं सामाजिक तौर से उनका धन्यवाद मांगूंगा, और स्थानिक खास करके यहाँ कर जो कार्यकर्ता है उनके, उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस, आपका जो भी समस्या है आप हमारे तक पहुँचाइए, हम हमारे तरफ से ऊपर तक पहुँचाएंगे, इस तरीके से आप और हम मिलकर इस देश का भला करेंगे, जो कि न्याय सबके साथ होगा, कि आज का न्याय हम आपके साथ में है और न्याय आपके साथ में, आप हमेशा यही चाहेंगे, हम आपसे दुआ करेंगे कि आप लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो, जितना हो सके उतना हम लोगों का भला करेंगे, अगर हमसे किसी से अच्छा करने का नहीं तो हम उस किसी का बुरा भी नहीं करेंगे, ये हमारा ध्येय है, और महिला का ये प्रथम स्थान उन्हें मिलना चाहिए। हम भी आशा यही करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ के तरफ से आप लोग भी पूरी तरह से तत्पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे आज इधर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ में जो चुने गए हैं, कि वो उनका जो इधर गांव में प्रभाव है, कि अगर सिटी में कोई भी रहता है लेकिन गांव तक कोई समस्या रही तो वो समस्या आगे तक नहीं जाती, तो इनके दौरान गांव की जो भी कोई समस्या है वो आगे आप तक पहुंचेगी और आप उसमें से सुधार कीजिए। हाँ,
जरूर हम आशा करते हैं कि आनंद राय मोगा जी से, और सर आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक मानवाधिकार संघ का, जो तुम दोनों ने हमारे गांव के लिए जो अरुणा गायकवाड़ और रमेश गायकवाड़ का जो दोनों को पत्र दिया और उन दोनों को जो काम करने की एक प्रेरणा दी, उसके वास्ते मैं पहले धन्यवाद दूंगा तुमको। और उन दोनों भी ऐसा काम करेंगे जो कभी देश स्वतंत्र के बाद नहीं हुआ, उनको दोनों को मैं बधाई दूंगा और तुमको भी बधाई दूंगा। थैंक यू।